हेलो एवरीवन। देखिए, पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो आपका पूरा सिलेबस था वो तो ख़त्म ही कर चुके हैं और क्वेश्चंस भी पूरा बता चुके हैं किस तरह से आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोग अपने नोट्स में उस क्वेश्चन को खोज करके पूरा करेंगे। ठीक, अगर आपको लगे कि सर कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक, यूट्यूब चैनल पर मेरे। और दूसरी बात कि पहले मतलब जो लास्ट वाला पेपर हम बताए थे आपको, उसमें भी अगर आपको लगा होगा कि कुछ छूटा हुआ है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक ना। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे पावर प्लांट का पहला चैप्टर जो है इसको इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक, इसमें से देखिए क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, जनरली दो या तीन क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की कि क्या क्वेश्चन पहला बन सकता है, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पावर प्लांट किसे कहते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है पावर प्लांट किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक ना, पहला आपका ये जो लिखा हुआ है सवाल, पावर प्लांट किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए, ये सवाल आपका इंट्रोडक्शन का है। सबसे पहले पावर प्लांट क्या होता है आप इसके बारे में बताएंगे, सब हम बता चुके हैं, केवल हम क्वेश्चन बताएंगे, आंसर नहीं बताएंगे, हल्का फुल्का हिंट भले दे देंगे। ठीक, पावर प्लांट किसे कहते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण सहित समझाने का मतलब कि पावर प्लांट बहुत मैनी टाइप्स कई प्रकार के होते हैं, उसमें से किसी भी एक को आप उठाएंगे और उठा करके उसके बारे में जब बता देंगे तो आपका उदाहरण पूर्ण हो जाएगा। ठीक, पहले पावर प्लांट बताएंगे कि क्या होता है, क्यों पावर प्लांट यूज किया जाता है, क्या है इसको बता देंगे, फिर उसके बाद उसका उदाहरण कोई एक देंगे कि हाँ इस तरह से पावर प्लांट होता है। ठीक ना, दूसरा सवाल बनता है हमारे जीवन में पावर प्लांट की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में पावर प्लांट की उपयोगिता क्या है। ठीक, हम लोग पावर प्लांट का उपयोग क्यों करते हैं इसको बताना है आपको, और इसके विभिन्न क्षेत्र। देखिए क्षेत्र का मतलब क्या है कि पावर प्लांट को हम लोग चलाते हैं क्यों, क्या क्या इसके क्षेत्र हैं। क्षेत्र का मतलब कि जैसे पावर प्लांट हो गया, हम लोग घरों के लिए यूज करते हैं, घरों में बिजली पहुंचाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए यूज करते हैं। ठीक, और जो मतलब कई चीज़ें हैं जैसे वर्कशॉप वगैरह हो गया, इन सबको चलाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप क्या कर, एक मतलब इसका जो आप अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा करके दो दो लाइन तीन तीन लाइन करके लिख लेंगे तो ये आपके क्षेत्र में आ जाएंगे कि इसके विभिन्न क्षेत्र में उपयोग यही है। ठीक, इसके विभिन्न क्षेत्र में उपयोगिता क्या है, ये मतलब है। ठीक ना, विभिन्न क्षेत्र में उपयोगिता, सबसे पहले आप लिखेंगे हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, हम लोग किस प्रकार से पावर प्लांट में निर्भर हैं, इसके बारे में लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे कि इसके विभिन्न क्षेत्र में क्या क्या उपयोगिता है। ठीक, फिर उसके बाद आप इसको अपने तरह अपने मतलब उससे एक चरणबद्ध तरीके से एक एक हेडिंग डाल करके, पहला पॉइंट ये, इसका ये प्रयोग है, इस क्षेत्र में प्रयोग है, ऐसे करते हुए आप पूरा लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका वीडियो क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा जो है हम लोग बात करेंगे कि पावर प्लांट को स्थापित करने के स्थान एवं इसके लाभ लिखिए। देखिए पावर प्लांट को स्थापित करने का मतलब क्या है कि हम लोग जब पावर प्लांट कहीं लगाएंगे, ठीक, तो किस प्रकार का स्थान होना चाहिए। ठीक ना, थोड़ा सा ये इसको इसके बारे में हिंट भी दे देते हैं आपको, कैसा स्थान होना चाहिए। देखिए जो स्थान आपका है वो कैसा होना चाहिए, पहला कि जहाँ पे आप पावर प्लांट को लगाएंगे वो क्या होना चाहिए, वो जनसंख्या मुक्त होना चाहिए। जनसंख्या मुक्त का मतलब कि वहाँ पे जनसंख्या नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप पावर प्लांट लगा दें और वहाँ पे कोई भी चीज़ हो, कोई भी गैस या फिर मतलब कोई भी अन्य चीज़ें अगर लीक हो जाए तो वहाँ का एरिया जो है चपेट में आ जाए। जिससे अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे भोपाल गैस त्रासदी, पढ़े होंगे भी हाल ही में एक क्या कहते हैं कि
विशाखापट्टनम में एक गैस लीक हुई जिसमें भारी नुकसान हुआ, ठीक ना। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई भी पावर प्लांट या फिर कोई भी प्लांट जो है हम बीच में ना लगाएं, ठीक। कम से कम कुछ दूरी लिए रहें कि अगर वहाँ से कोई गैस लीक भी हो तो हम अलर्ट करके वहाँ से कुछ लोगों को जल्दी से या फिर जो भी लोग हैं उनको अलर्ट करके जल्दी से निकाल पाएँ, ठीक ना। इससे क्या होगा कि हानि जो है कम होगी, क्योंकि एक बार गैस रिसना बंद हो जाएगा फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, वापस आ सकते हैं, ठीक। और अगर मान लीजिए ब्लास्ट भी हुआ पावर प्लांट में, ठीक, अगर ब्लास्ट होता है तो भी अगल बगल का जो एरिया हो, क्योंकि पावर प्लांट बहुत बड़े एरिया में होता है, अगल बगल का जो एरिया है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि इसको जनसंख्या मुक्त रखें। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि पावर प्लांट को लगाने के लिए जो ज़मीन होनी चाहिए वो जनसंख्या से बाहर होने चाहिए, जहाँ भी हो गाँव में या फिर एरिया में जनसंख्या से थोड़ा बाहर होना चाहिए, ठीक। अब दूसरा हम बात कर लें तो यहाँ पे जो जल की व्यवस्था होनी चाहिए, समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, पानी जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह जो है आसानी से वहाँ बन जाए, जिससे कि आप क्या कर पाएँ, पावर प्लांट में जो बिजली की आपूर्ति आपको देनी है, जिससे थर्मल की बात कर लें, तो पानी वगैरह आसानी से वहाँ पहुँचा दें, यानी जो भी ईंधन हो उस ईंधन के साधन की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए, ठीक। हाँ, ईंधन की, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा ईंधन वाला जो है, पानी के बाद ईंधन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक ना। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट है उसका, जहाँ से आना चाहिए उसके लिए एक अलग लाइन जो देते हैं हम, उस लाइन के लिए बढ़िया से जो है आपका यानी ठीक ठाक जो होना चाहिए वो हो जाए, ठीक। अगर आप चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट हमारा ये बन सकता है कि जो ज़मीन है आपकी, ठीक, ना तो अधिक उपजाऊ होनी चाहिए ना बहुत कमज़ोर होनी चाहिए। अधिक उपजाऊ का मतलब कि खेती करने योग्य ना हो, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वहाँ पे हम पावर प्लांट लगाएं तो ज़मीन बहुत कमज़ोर हो और पावर प्लांट वहाँ पे सही से बैठ ना पाए, ठीक। तो दलदली स्थान ये सब चेक करके पावर प्लांट को वहाँ लगाना चाहिए, ठीक। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें तो देखिए, शहर से दूर होना चाहिए, ठीक, लेकिन लोगों के आने जाने के, यानी जो कर्मचारी हैं उनके आने जाने की समुचित व्यवस्था उसमें होनी चाहिए, ठीक। छठे पॉइंट की बात करें तो पावर प्लांट में जो बिजली उत्पादन दर होगी, ठीक, बिजली उत्पादन दर जो होगी वहाँ से बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए जो आपके तार वगैरह होंगे, जो भी चीज़ें हों, यानी जो उसके इक्विपमेंट हो, वो एक मतलब नियमित तरीके से हों, जिससे कि आसानी से हम बिजली को स्टेशन तक पहुँचा पाए और वहाँ से सब स्टेशन द्वारा बिजली को अन्य भागों में बाँट सकें, ठीक। तो ये भी मतलब अच्छा होना चाहिए कि वहाँ सब स्टेशन आदि की दूरी ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि बीच में नाला पड़ रहा है, नदी पड़ रही है कि आप उसको पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान दे के करना चाहिए, ठीक ना। अब सातवें पॉइंट की बात करें, ठीक, तो जो ज़मीन होनी चाहिए, यहाँ पे हमने बोला ना कि जो भूमि होनी चाहिए वो बहुत उपजाऊ नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो कॉस्ट होगा उसका, ज़मीन का जो कॉस्ट होना चाहिए वो बहुत लो होना चाहिए, बहुत हाई नहीं होना चाहिए, ना लो ना हाई, दोनों कहते हैं मॉडरेट होना चाहिए, जिससे कि आप उसको ख़रीदने में बहुत अधिक पैसा ना व्यय करें, ठीक। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पैसा पावर प्लांट पे ही लगा दिए और बाकी चीज़ों के लिए आप पैसा लगा ही नहीं, पावर प्लांट की ज़मीन के लिए लगा दिए, बाकी चीज़ को आप खरीद ही नहीं पा रहे हैं, ठीक। तो जो कॉस्ट है उसका जो प्राइस है वो क्या होना चाहिए, लेस और हाई, दोनों नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, अगर लेस है तो और अच्छी बात है, नहीं तो मॉडरेट होना चाहिए, ठीक। अब आठवां पॉइंट कह दें तो हम आपको बता ही दिए कि पावर प्लांट को लगाने के लिए ये सब चीज़ों के लिए एक समुचित व्यवस्था, दूसरी बात कि ट्रांसपोर्ट वगैरह की व्यवस्था भी सही से होनी चाहिए, ठीक। और आठवां पॉइंट जो है, जो वहाँ का स्थान है, ठीक, जहाँ पर पावर प्लांट लग रहा है वहाँ का जो स्थान है वो ऐसा रहना चाहिए कि वहाँ पे हम रोड के द्वारा भी, ठीक, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट जो है अपने चीज़ों को भेज सकें, ठीक। तो ये भी आपका एक पॉइंट है, और बाकी आप लोग को जो पॉइंट मिले आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक, हमने अपने हिसाब से बता दिया और इसको लिख लेंगे। अब देखिए आज का जो तीन क्वेश्चन है, पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन का पहला टॉपिक आज ख़त्म हो गया, कल हम शुरू करेंगे थर्मल पावर प्लांट में कम से कम 2-3 लेक्चर लगेगा, ज़्यादा बड़े नहीं, 3-4-5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम हम आपको बताएंगे रोज डेली, ठीक। उस 5 क्वेश्चन को आज रोज के रोज हम बता देंगे और आप एक एक करके अपना वीडियो देखते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा और जितना हम बता रहे हैं उसको कम्प्लीट कर लीजिएगा, ठीक ना। सब बताया हुआ है, कोई लोग ये नहीं कहेंगे सर कुछ बताया नहीं है, सब बताया हुआ है, और नहीं भी आपको लगे बताया हुआ है तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे एक बार, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सब लोग घर में रहें, सेफ रहें, ओके, थैंक यू।